हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टाफिंग और इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग से रिलेटेड कुछ केस स्टडी सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहली केस स्टडी है क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले मैंने आपको बताया था आपको क्वेश्चन पढ़ना है विच फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और यहाँ पे नोट करना विच फंक्शन पूछा है। कभी कभी आपको क्या करता है क्वेश्चन में ना चुपके से एस दे देता है, ठीक है, तो आपको ना बहुत सारे फंक्शन बताने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे एस नहीं दिया मतलब आपको एक ही फंक्शन बताना है। ठीक है, तो विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज इंडिकेटेड इन अबव केस। ठीक है, हमको ऊपर वाले केस में से एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो है उसको खोज के बताना है। गिव वन एडवांटेज ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो भी आपने फंक्शन निकाला उसका एक एडवांटेज दे देना अपने से। विच मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज इंडिकेटेड हियर, और यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा है कि एकदम इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्सेस इंडिकेट किया है वो आपको बताना है। ठीक है, सो आप यहाँ पे देखना दो नंबर है, मतलब एक नंबर आपको फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का मिलेगा उसका आपको एक एडवांटेज दिखने का मिलेगा, और एक नंबर जो है वो आपको इम्पोर्टेंट रिसोर्स बताने का लगेगा। अब मेरे साथ आप फटाफट पढ़ते हैं। इन अ लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है, देयर वॉज अ मीटिंग रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। एक मीटिंग बैठाई गई है कंपनी में और वहाँ पे एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात करने लगी, विच वॉज वेरी मच रिक्वायर्ड इन मीटिंग, और वो फंक्शन एक मीटिंग में बहुत ज़रूरी था। द ग्रोइंग नीड्स ऑफ अ गुड एम्प्लॉयज, और वो मीटिंग इसलिए बैठाई गई कि वहाँ पे ये डिस्कस किया कि जो अच्छे एम्प्लॉयज है उनकी हमें ज़रूरत है, एंड सॉल्विंग कम्प्लीटेड इशू रिलेटेड टू द ह्यूमन बिहेवियर ऑफ अ वर्क प्लेस, और ह्यूमन से रिलेटेड कितनी भी वर्क मतलब ह्यूमन से रिलेटेड जितनी भी दिक्कतें हैं उसको सॉल्व करना है। तो अगर मैं आपको यहाँ से यहाँ तक की मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ह्यूमन्स की बात कर रहा है, ह्यूमन्स का काम, ह्यूमन को ज़रूरत है, ह्यूमन्स का बिहेवियर चेक करना है, तो कहीं ना कहीं ये क्या दर्शा रहा है, ये स्टाफिंग को बता रहा है। देखो क्योंकि स्टाफिंग का मेन फंक्शन क्या है, पीपल को काम पे लगाना, ठीक है, तो पीपल से रिलेटेड हर चीज स्टाफिंग में आती है, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे स्टाफिंग आ गया इसका। अब इम्पोर्टेंस पूछा तो आपको मैंने बहुत सारे इम्पोर्टेंस बताए थे, इनमें से आपको जो भी मर्जी है तो आप वो लिख लेना, लेकिन एनसीईआरटी का होना चाहिए पॉइंट। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था फिलिंग रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, लेकिन आपको दिया इसने हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, तो ये गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, एनसीईआरटी का जो पॉइंट दिया है उसे लिखना है। ठीक है, अब देखो अभी तो मैं ये अब जो दूसरा क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स एक ऑर्गेनाइजेशन के बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। हालांकि इस चीज को मैं आपको अगले लेक्चर में ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट जो टॉपिक आएगा उसमें बताऊंगा, लेकिन अभी बस आप ये चीज जानो कि ह्यूमन रिसोर्सेज जो रहता है ये सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स रहता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो इसको मैं अगली नोट्स में आपको लिखा दूंगा, अभी बस आप जान दो। ठीक है, तो देखो ह्यूमन रिसोर्स सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्स होता है। हेलो एवरीवन, देखो अब हम लोग ने तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, अब अगला जो क्वेश्चन करेंगे वो हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इस पैराग्राफ में हमें करना क्या है। तो देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डज नॉट, इसमें यहाँ पे मार्क करना, देखो बड़े ध्यान से पढ़ना हर चीज को, डज नॉट सीम टू बी वर्किंग वेल फॉर द कंपनी इन द अबव केस। मतलब ये जो ऊपर का केस हम पढ़ेंगे तो हमें उसमें ये बताना है कि ऐसा कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो है वो इस पैराग्राफ में काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वो हमें बताना है जो कि एक मार्क्स का है। ठीक है, अब है आइडेंटिफाई द डिफरेंट बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ दिस फंक्शन द कंपनी वुड हैव एंजॉयड इफ एवरीथिंग हैड वर्क्ड इन इट्स फेवर। देखो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको क्या करना है, इस फंक्शन के बेनिफिट्स बताना है। देखो इस पैराग्राफ में आप देखोगे इस पैराग्राफ में ना इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट जो है फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि इस पैराग्राफ में कैसे कैसे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करना है। होपफुली अभी तो मैं आपको बाद में ही बताऊंगा, लेकिन सबसे पहला हमें क्या करना है, पैराग्राफ पढ़ना, सब के आंसर आपको आखिरी में पता चल जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो
अगर हम पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है, तो देखो प्लूटो यूटेंसिल्स, ठीक है, इज अ वेरी ओल्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। प्लूटो यूटेंसिल्स जो है एक बहुत ही पुरानी प्रोड्यूसिंग कंपनी है। रिसेंटली इट वॉज फाउंड बाय द मैनेजमेंट दैट द एम्प्लॉयज हु वर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन वर लेथार्जिक विद अ लिमिटेड स्किल। कंपनी को पता चला, कंपनी के मैनेजमेंट को पता चला कि जो एम्प्लॉयज है वो क्या है, बहुत लिथार्जिक, मतलब बहुत आलसी टाइप के है और उनके पास बहुत कम स्किल है। तो आप क्या करो, यहाँ से लेकर लिथार्जिक विद अ लिमिटेड स्किल यहाँ तक से लेकर यहाँ तक आप मेरे साथ मार करना। अब उसके आगे क्वेश्चन पूछ, पैराग्राफ कह रहा है द मैनेजमेंट कंपेयर्स इट्स ऑर्गेनाइजेशन विद दैट ऑफ अदर्स। मैनेजमेंट ने क्या किया, अपने कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बाकी कंपनियों के साथ कंपेयर किया और उन्होंने बताया कि बहुत बड़ा डिफरेंस है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में और बाकी ऑर्गेनाइजेशन में। अब वो कैसे, व्हेन अ प्रॉपर एनालाइज ऑफ अ जॉब पोजीशन एंड देयर ऑक्यूपेंट्स वाज डन, इट वाज फाउंड दैट मेनी ऑफ देम वर नॉट वर्किंग एट अ सुटेबल प्लेसेस टू देम। ये भी आप मार करना कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कह रहा है कि हमें जब पता चला कि बहुत सारे लोग जो जिस जगह पे काम करने चाहिए वो उस जगह पे काम नहीं कर रहे हैं, मतलब जो लोग जिस तरीके से, अगर आप देखोगे ये पॉइंट आपको याद आना चाहिए, जो लोग जिस जगह पे काम करने चाहिए उस जगह पे काम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप, यहाँ पे एक मेसर मार करना यहाँ तक कौन सा, ऑक्यूपेंस वॉज डन विद अ फाउंड दैट मेनी ऑफ देम आर नॉट वर्किंग एट अ, ठीक है यहाँ तक मार कर लिया। दिस इंक्रीज द वरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इससे क्या हुआ, मैनेजमेंट को बहुत वरी हो गए, मतलब टेंशन में आ गए। द ऑर्गेनाइजेशन हैड ऑलरेडी स्पेंड 5 decades, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने 5 decades क्या क्या इंडस्ट्री में लगाया, एंड वॉज वरीड अबाउट द सक्सेसफुल कंटिन्यूशन। सक्सेसफुल कंटिन्यूशन का मतलब है बच्चों सर्वाइवल ऑफ बिजनेस विच रिक्वायर्ड कैपेबल फ्यूचर मैनेजर्स, और वो तभी पॉसिबल है जब ऑर्गेनाइजेशन के पास अच्छे मैनेजर्स होंगे जिसके कारण ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करेगी। बट द करेंट इम्प्लॉयज, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के पास जो करेंट इम्प्लॉयज है वो क्या कैपेबल नहीं है उस चीज को करने के लिए। द कंपनी हैड रिसेंटली सफर्ड ह्यूज लॉसेस, कंपनी ने क्या क्या बहुत सारे लॉसेस को झेला। इट वॉज रनिंग आउट ऑफ बजट, और कंपनी के पास पैसे भी नहीं थे। टू एड इट्स प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम को, और साथ ही साथ यहाँ पे लिखा है टू एड दिस प्रॉब्लम द नंबर ऑफ इम्प्लॉयज वॉज मोर देन रिक्वायर्ड सो दैट कंपनी हैड टू बियर एडिशनल कॉस्ट, मतलब जितने लोग, जितने इम्प्लॉयज हमें चाहिए थे उससे ज्यादा लगे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जिसके कारण कॉस्ट क्या हो रही है, ज्यादा आ रही है। ठीक है, इट इज सेड दैट वन बैड थिंग लीड्स टू अनदर, दिस केम ट्रू फॉर द कंपनी, मतलब कंपनी ने कहने लगा कि अगर हम एक काम गंदा करेंगे तो उसके कारण दूसरा काम भी गंदा होगा, तो ये कंपनी के साथ एक्चुअल में होने लगा। When there was some negative reporting about its HR practices in a daily newspaper, where it was mentioned that the employees were not satisfied and suffered low morale, मतलब employees का जो confidence level है वो क्या है, बहुत कम है। morale मतलब confidence, जो कि आपने पिछले lectures में पढ़ के रखा है। ठीक है, अब इससे आपको क्या देखने को मिला, इससे आपको ये देखने को मिला कि कहीं ना कहीं ये जितनी भी चीज है, ठीक है, जैसे ऑक्यूपेंट्स नहीं है, मतलब इम्प्लॉयज नहीं है, यहाँ भी इम्प्लॉयज के बारे में, मैनेजर के बारे में बात हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा मैनेजर लगे हैं, मतलब ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है, ये अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, स्टाफिंग की बात कर रहा है फंक्शन। आप देखना, स्टाफिंग की फंक्शन की बात कर रहा है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन ने अगर स्टाफिंग फंक्शन को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो जिसके कारण ऑर्गेनाइजेशन को क्या हो रहा है, बहुत सारे घाटे हो रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको इसका आंसर भी दिखाऊं, देखो यहाँ पे आप देखोगे इम्प्लॉयज क्या है, लिथार्जिक है। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन अगर स्टाफिंग का फंक्शन फॉलो करती तो ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या होते हैं, कॉम्पिटेंट पर्सनल होते हैं, जो कि फर्स्ट पॉइंट जो कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ कॉम्पिटेंट पर्सनल लिखना, लेकिन आपको ये एनसीईआरटी के पॉइंट लिखना है, ठीक है, एग्जाम्स में। अब आप देखोगे कि ऑक्यूपेंस वॉज डन एंड मैनी ऑफ वर नॉट वर्किंग एट अ सुटेबल प्लेस, अगर ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग हैं जिनको जहां काम करना चाहिए वहां काम नहीं कर रहे हैं, अगर वो स्टाफिंग फंक्शन फॉलो करती तो उनको प्लेसिंग राइट पर्सन एट राइट जॉब का इंपॉर्टेंस मिलता, मतलब बेनिफिट मिलता, मतलब वहां पे जो लोग की स्किल एंड क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप लोगों को काम देते, तो स्टाफिंग फंक्शन कंपनी को अपनाना था जिससे कंपनी को ये फायदा होता है, तो राइट पर्सन फॉर राइट जॉब,
ठीक है, अगेन मैंने आपको कहा कि आपको एनसीईआरटी का पॉइंट लिखना है, तो ये एनसीईआरटी का पॉइंट नहीं दिया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चों, राइट पर्सन एट राइट जॉब, ठीक है, यहाँ पे आपको ये पूरी बातें लिखनी है, तो एनसीईआरटी का पॉइंट आपको मेंशन करना है। अब अगला एम्प्लॉय सर, यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यूस सर्वाइवल की बात कर रहा है। देखो मैंने आपको बताया था ग्रोथ ऑफ इंटरप्राइजेस में अगर अच्छा एम्प्लॉय, अगर अच्छे काम करने वाले रहेंगे तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा सर्वाइव करेगा, तो कहीं ना कहीं इसकी भी बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सक्सेसिव प्लानिंग का ये आपको एनसीईआरटी का पॉइंट लिखना है, तो आपको क्या लिखना है, ग्रोथ ऑफ इंटरप्राइजेस, इसके जगह मैं ये वाला पॉइंट लिखूंगा, ग्रोथ ऑफ इंटरप्राइजेस। ठीक है, अब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, देखो अगर आप देखोगे इम्प्लॉयज जो है जितने लगने चाहिए उसे ज्यादा काम कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि इम्प्लॉयज हम क्या कहते हैं, जॉब एनालाइज करते हैं, जिसमें पता चल जाता है कि कौन से लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, कौन से लोग अगर ऑर्गेनाइजेशन में कमी रहती है, तो कहीं ना कहीं ये जो अगर हम स्टाफिंग का फंक्शन फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं जो एक्स्ट्रा एम्प्लॉय जो लगे हैं वो क्या हो जाता है, हम उसका कुछ और मतलब अगर ज्यादा एक्स्ट्रा, ये कह रहा है कि बहुत ज्यादा एम्प्लॉय लगे थे तो एक्स्ट्रा लगे हैं मतलब कहीं ना कहीं हम उनको क्या कर सकते थे, अपने कोई और ऑर्गेनाइजेशन में भेज सकते थे या फिर ऑर्गेनाइजेशन को रिमूव कर सकते थे। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन स्टाफिंग फंक्शन फॉलो करती तो ये वाली सिचुएशन निकल सकती थी। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, अब अगला पॉइंट है नॉट सेटिस्फाई एंड सफर्ड लो मोरेला, इम्प्लॉयज क्या हुआ उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखना इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन मोरेला ऑफ द इम्प्लॉयज, तो यहाँ पे ये पॉइंट दिया गया है कि इम्प्लॉयज का जो है मोरेला कम हो गया अगर स्टाफिंग फंक्शन फॉलो करती तो ये सारी सिचुएशन नहीं होती। तो आपको यही चीज बताना था कि बेनिफिट आपने बताया, फिर उसके बाद आपने क्या बताया कि मतलब कौन सा फंक्शन है आपने पहले वो बताया जिसमें आपको एक नंबर मिल गया। सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है कि अगर पैराग्राफ में अगर हम स्टाफिंग फंक्शन फॉलो करते तो क्या क्या बेनिफिट होते हैं, तो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशन इतने सारे लॉस कर रही थी क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन स्टाफिंग फंक्शन फॉलो नहीं कर रही थी, अगर वो स्टाफिंग फंक्शन फॉलो करेगी तो उनको ये सारे बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज थी बच्चों जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस कर ली। ठीक है, होपफुली आपने समझ गए होंगे। अगली लेक्चर में मैं आप सभी के साथ एक नेक्स्ट टॉपिक में मिलूंगा। चलिए बाय, एंजॉय, टेक केयर, चीयर्स।